अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में सऊदी अरब से कुछ जरूरी खबर और कुछ बड़ी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट आया है और एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है, जो एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी हुई है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगला महीना रमजान शरीफ का आ रहा है, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, तो इस महीने में सारे काम के सिस्टम जो है थोड़ा चेंज होते हैं, क्योंकि रमजान का महीना है तो थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज होता है। तो सऊदी अरब में बैंक को लेकर बड़ा अपडेट है, उसके टाइमिंग को लेकर बड़ा अपडेट है, वो भी शेयर करूंगा और भी बहुत सारी जानकारियां आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोग को मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़ी बड़ी खबर, जो पिछले हफ्ते 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच का आंकड़ा बताया गया है गैर मुल्कियों को लेकर। यहाँ सऊदी अरब में जो काफी तादाद में गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है कि 19,199 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, गैर मुल्कियों को, जो यहाँ पर इकामा के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। किसी के पास इकामा नहीं था, किसी का इकामा एक्सपायर हो गया था, तो उन मामलों में लेबर लॉ के मामले में बहुत सारे गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं और बहुत सारे गैर मुल्की बॉर्डर के उल्लंघन में गिरफ्तार हुए हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर बताया गया है कि 11,742 लोगों को इकामा के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। किसी के पास इकामा नहीं था या किसी के पास इकामा था पर उसका डेट एक्सपायर हो गया था, तो कुल मिलाकर 11,742 लोगों को इकामा के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर 4,103 बॉर्डर कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है, जो बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी के अंदर आ रहे थे और कुछ लोग सऊदी से बाहर जा रहे, तो इन मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर 3,354 लोगों को लेबर लॉ के मामले में गिरफ्तार किया गया है, मतलब कि जो काम में वो आए थे सऊदी अरब, वो काम ना करके दूसरा काम कर रहे थे, तो ये लेबर लॉ के खिलाफ काम कर रहे थे, इन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप लोग भी सऊदी अरब में अगर हैं तो जो काम इकामे पे लिखा है, जो आपका काम है, वही काम आप करें। जिस काम के लिए अगर आप आए हो वो काम नहीं करके दूसरा काम अगर आप करते हो, छिप छिपा कर या किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, तो वो गैर कानूनी है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहीं पर 916 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सीमा कानून का उल्लंघन कर रहे थे, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 46% यमनी और 53% यूथोपिया के लोग पाए गए। तो ज्यादातर देखा गया है कि यमन के लोग और यूथोपिया के ही लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं सऊदी अरब के अंदर। और वहीं पर 101 लोगों को सऊदी अरब के बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर 11 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोग को ये न्यूज़ जानना कि 11 लोगों को किस लिए गिरफ्तार किया गया है। 11 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो इनलीगल लोगों को मदद कर रहे थे, और जो इनलीगल लोग यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं गैर मुल्की, तो उन लोगों के मदद मुहैया कर रहे थे, उनके या तो घर में रखे थे या तो और भी तरीके से उनकी मदद कर रहे थे। और याद रहे कि जो भी गैर मुल्की यहाँ सऊदी अरब में है और वो इनलीगल रह रहे हैं या इनलीगल कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी मदद करना और उनकी मदद मुहैया कराना, यानी कोई भी उनकी हेल्प करना, तो यहाँ पर सऊदी अरब में कानूनन जुर्म है। इस मामले में अगर आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपको लंबा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, जिनके पास इकामा ना हो या कोई इनलीगल काम कर रहा है, तो अगर आपसे कोई भी मदद मांगता है तो आप उसकी मदद बिल्कुल ना करें। अगर वो लीगल है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर इनलीगल है तो उसे आप बिल्कुल भी पनाह ना दें, कोई भी मदद ना करें। तो अगली अपडेट है सऊदी अरब के बैंक को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी ईद उल फित्र भी आ रहा है और वहीं पर ईद उल अजहा भी आ रहा है, यानी ईद और बकरीद दोनों आ रहा है, तो उसके पहले रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, तो रमजान में यहाँ पर बैंकों का जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया जाता है। तो सऊदी सेंट्रल बैंक के ट्विटर एक्स हैंडल पर ये अपडेट जारी कर दिया गया है कि रमजान के महीने में बैंक का खुलने का टाइम और बैंक का बंद होने का टाइम यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया गया है। तो अपडेट में बताया गया है कि रमजान के महीने में सिर्फ 6 घंटे ही बैंक खुला रहेगा, जिसमें से टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर के शाम को 4 बजे तक बैंक खुली रहेगी। सुबह 10 बजे बैंक खुलने का टाइम और शाम को 4 बजे बैंक बंद करने का टाइमिंग यहां पर अपडेट जारी किया गया है। अगर आपको पैसा लेन देन करना है या पैसा भेजना है तो रमजान के महीने में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कर सकते हैं। तो हालांकि बैंक का ऑफिशियल काम जो उनका दैनिक काम रहेगा तो वो 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक उनका काम रहेगा।
और वहीं पर ईद उल फित्र यानी ईद का भी टाइमिंग यहाँ पर बता दिया गया है कि किस तारीख को बैंक बंद होगी और किस तारीख को बैंक खुलेगी। तो 4 अप्रैल को बैंक बंद हो जाएगी, जो हिजरी तारीख के हिसाब से 25 रमजान को सऊदी अरब में बैंक का काम बंद हो जाएगा, बैंक का लेन देन बंद हो जाएगा और उसके बाद 14 अप्रैल को जाकर खुलेगा। तो 10 दिन का ये बंद रहेगा बैंक। अगर बैंक से जुड़े कोई भी काम आप कर रहे हैं, पैसे का लेन देन, पैसा भेज रहे हैं, तो 4 अप्रैल के पहले आप पैसे वगैरह भेज दें, क्योंकि 4 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यहाँ पर बैंक बंद करने का ऐलान किया गया है। और वहीं पर बकरीद का भी बैंक खुलने का टाइमिंग और बंद होने का टाइमिंग भी बताया गया है कि 13 जून से बैंक बंद होगी और वहीं पर 23 जून को बैंक खुलेगी, यानी कि 10 दिन इसमें भी बंद रहेगा बैंक और 10 दिन ईद के समय में भी 10 दिन का बैंक बंद रहेगा। तो इसके पहले आप जो भी बैंक से जुड़े कोई भी अगर आपका काम है तो आप इसके पहले निपटा लें। और एक अपडेट बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की तरफ से, क्योंकि रमजान का पाक महीना आ रहा है तो इस महीने में सऊदी अरब के लोग या गैर मुल्की जो भी सऊदी अरब में रह रहे हैं और बाहर देश से भी बहुत सारे लोग उमरा करने के लिए आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की तरफ से यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि अगर आप उमरा करने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए आप उसका रजिस्ट्रेशन, अपना डेट, अपना टाइमिंग वहाँ से आप बुक कर, क्योंकि रमजान के पाक महीने में आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है मक्का मुकर्रमा में, तो इस वजह से नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए से आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। वहाँ पर डेट टाइमिंग सब सेट करना पड़ेगा और वहाँ पर जो दिन आपका सेट रहेगा उसी दिन को आप जा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब कोरोना का टाइम था तब आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, अगर आपके पास परमिट नहीं तो आप जो है उमरा करने के लिए नहीं जा सकते हैं मक्का मुकर्रमा में, पर अभी परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर जाना चाहते हैं नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए से, सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, आप अपना डेट सेट करें और अपना टाइमिंग सेट करें, जो डेट और टाइमिंग आपका बुक होगा उसी टाइमिंग पर उसी डेट पर आप वहां पर जाएं और उमरा करें और सवाबे दारायण हासिल करें। तो ये थी कुछ सऊदी अरब से जुड़ी गैर मुल्कियों के बारे में और कुछ यहाँ बैंक के अपडेट के बारे में जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग भी भाई चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सऊदी अरब से जुड़ी और भी जानकारियाँ और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।